स्कूटर 1990 मॉडल जिहड़ा दिखावांगे बापू करम सिंह जी उन्हां कोल आपां पहुंचे होए आ। जिहड़ा स्कूटर 1990 मॉडल इन्हां ने सांभ के रखिया, पर तुसीं स्कूटर की हालत देख के कह नहीं सकते कि 1990 मॉडल होगा, क्योंकि अपने पुत्तां वांग इन्हां ने स्कूटर नूं जिहड़ा है उह सांभ के रखिया आ। न्यू नवा लैंदा सी बिल्कुल मैं, न्यू ग्रैंड। अच्छा जी, ओह तो बाद सांभ के रखिया होया। किन्ने दा लिया सी अंकल? उस टाइम तो बड़े सस्ते सीगे ना, हुण तां इन्ना ध्यान भी नहीं होना भी किन्ने दा होना जांदा। फिर भी कुछ याद होना भी इन्ने का 100 रुपए का 200 का 500 का 1000 का? नहीं नहीं इन्ना है 6-7 हज़ार ला जाता। 6-7 हज़ार का लिया आइडिया मेरा मतलब, हूँ तो मैं 17,500 रुपए के उपर लाता मैं। अच्छा अंकल, बच्चे जिहड़े होंदे आ जो कोई पुरानी चीज़ होंदी कहिंदे पापा की करनी यार बेचदे छड्ड यार होर नवां मोटरसाइकिल लै ला कोई जमाना आ गया। मोटरसाइकिल दा आनंद नहीं आता, आनंद ही तो आता मोटरसाइकिल दा आनंद नहीं आता इन्ना चलाउण दा, जिन्ना इह च मज़ा चलाउण दा ना। फिर समान लद लो जिन्ना मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, टायर पंचर हो जाए टायर बदलो तां च ओह अपनी नाले होंदी है ना, नाले होंदे। कदे किसी ने डिमांड भी की, कदे रिश्तेदार सज्जन मित्र यार दोस्त कहते यार मैनू दे दे मेरे तो पैसे ले ला जिन्ने लैने। नहीं नहीं मैं नौ इंच लैंदा भी देना, बेचने का मैं नौ इंच रखता यदा भी बेचना, पता सब ने भी बेचना नहीं है इन्हें ना, मैंने कहता भी बेच दे 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 किसी को ना बेचना। मुल तो नहीं अंकल यदा लाया जा सकता, थोड़ा शौक है जी ना, बेच नहीं सकता मैं कुछ जो मर्जी हो जाए बेचना नहीं। ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ 'ਚ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਚੌਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। पंजाब न्यूज़ देख रहे स्रोतियां का एक बार फिर तो स्वागत है जी, मैं अमनदीप सिंह गड़ी। अज की पीढ़ी नूं पता ही नहीं होना कि स्कूटर जिहड़ा है वह की चीज़ हुंदी आ, प्रिया स्कूटर किहड़े हुंदे सीगे, चेतक स्कूटर किहड़े हुंदे सी, स्कूटर जिहड़े आ उह जे अज तो 5-10 साल पहला देख लीए तो नौजवानों के भी जिहड़े आ उह जिंद जान हुंदे सी, ते पुराने बजुर्गों ने भी स्कूटर सांभ के रख्या। सो अजिहा अज तुहानूं स्कूटर 1990 मॉडल जिहड़ा दिखावांगे बापू करम सिंह जी उन्हां कोल आपां पहुंचे होए आ। जिहड़ा स्कूटर 1990 मॉडल इन्हां ने सांभ के रखिया, पर तुसीं स्कूटर की हालत देख के कह नहीं सकते कि 1990 मॉडल होगा, क्योंकि अपने पुत्तां वांग इन्हां ने स्कूटर नूं जिहड़ा है उह सांभ के रखिया आ, यही चलाते हैं, क्योंकि अजकल दे समें विच गड्डियां कारां नवीं तकनीकां आ गईआं, फिर भी इह स्कूटर दे नाल इन्ना ज़्यादा प्यार आ, क्योंकि स्कूटर जिहड़ा आ पुराने समें विच लोक बड़ा सांभ के इस चीज़ नूं रखदे हुंदे सी, चेतक स्कूटर हुंदा सी, प्रिया स्कूटर हुंदा सी, सो वधिया एवरेज सी, हुण तक भी इस स्कूटर की वधिया एवरेज आ, वधिया तरीके नाल एक भी चपरेट जिहड़ी स्कूटर ते नहीं हैगी। सो अंकल जी उहनां दा आपां स्वागत करदे हां, गलबात करदे। अंकल जी सब तो पहला स्वागत है जी साडे पंजाब न्यूज़ चैनल उत्ते जी। बिल्कुल ठीक है जी, सत श्रीकाल, ठीक है, चढ़ती कला जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, मैं स्कूटर देखे ना मेरी रूह खुश हो गई, पहला तो वैसे आप पहला मिले सके रास्ते जी है ना, तो अज सबब बनया थानू मिलन दा जी। ये स्कूटर किन्ने मॉडल है जी, कदों दा सांभ के रखे है जी? 1990 मॉडल है जी। अच्छा जी, कदों दा सांभ के रखे जी? उदों दे जत्ते लिया, न्यू नवा लैंदा सी बिल्कुल मैं, न्यू ग्रैंड। अच्छा जी, हां तो बाद सांभ के रखिया। फिर किन्ने दा लिया सी अंकल? उस टाइम तो बड़े सस्ते सीगे ना, हुण तां इन्ना ध्यान भी नहीं होना भी किन्ने दा होना जांदा। फिर भी कुछ याद होना भी इन्ने का 100 रुपए का 200 का 500 का 1000 का? नहीं नहीं इन्ना तो जो हैगा 6-7 हज़ार ला जाता। 6-7 हज़ार का लिया सी आइडिया मेरा मतलब, हुण तां मैं 17,500 रुपए के उपर लाता मैं। एक बार च जां कई बार? एक बार च, हुण होनी सवारी च, पहली बार 17,500 रुपया इस स्कूटर के उत्ते जी। इहदे उत्ते होनी सवारी, पूरे इंजन भी कराया ना इहदा ओवरहाल। अंकल फायदा की ऐब तो तेल बड़ा खाता होना जी? ना ना एवरेज बहुत है, 45 एवरेज दिता, 50 स्कूटर 48-45 100 रुपए का पा के मैं तीन नहीं पाँगा, घनौली घनौली सारा घूम के आँगा इधर मैं। अच्छा जी, हाँ हाँ। अच्छा अंकल काम की करते रहे तुसीं? मैं पहले तो इतने टायर फैक्ट्री था मेरठ यूपी च, उतों बाद आ गए फिर मैं इतने ट्रक पाले से अपने। अच्छा जी, खालसा चोन क्रशे के रिश्तेदार साढ़े उत्थे क्रशर वाले, उत्थे भी 3 ट्रक पाले से अपने आ गए, मैं नौकरी छड़ के आ गया दूसरे दिन, मैं 20 साल नौकरी करने तो बाद। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा अंकल 3 ट्रक फिर नौकरी क्यों छड़ती? वधिया तनखा ना सी मिलदी की चक्कर? तनखा तो अच्छी सी, बहुत अच्छी तनखा था उत्थे। अच्छा जी, हाँ मैं घर की समस्या करके फिर नौकरी, पहला छोटा भरा मेरे से लवाया वैसे ना मैं, वो भी छड़ के आ गया था फिर।
उन्हें गड्डी पाई जी कहता भी गड्डिया का कम ठीक है आ जाओ फिर मैं दो ट्रक कट्ठे होर पा ले आके फिर उरे फिर तीन ट्रक चला चलते रहे साढ़े उरे किहड़े अंकल ट्रक पाए थे बजरी ढोने वाले कलेक्शर से टिप्पर टिप्पर से कितने कितने चलाया अंकल ट्रक बहुत चलाया इतने तो अच्छा हाँ पूरे पंजाब से चलाते रहे थोड़ी पहले दी प्रॉब्लम आ गई करके हुण डरदे बैठदे नहीं हैगे ना अंकल क्योंकि अजकल की होंगे स्कूटर बेच देंगे है ना जी ते तुसी स्कूटर अंकल ने सामभ के रखा थानू कि लग रहा जी अपने पुतां दी दर सामभ के रखा हो तेन माड़ी मोटी कोई खराबी होंगी असं ठीक करा लेंगे एन आप साफ करना आप धोना घर ही साल संभाल अच्छी रखी हुई है बाद बाद फिर लैके आने हाँ नहीं मैं इतने मेहनत से जो दिता से 90 च अच्छा 96 से इतने आ गए फिर पंजाब तो हो गए उसे 5 साल लिते भी उत्थे भी संभाल के रखते इधर आए इधर भी इधर संभाल के रखे हुए बहुत वधिया अंकल आंटी होनी बहुत वधिया ये जिहड़ी चीज़ आ संभाल के रखी हो अच्छा अंकल बच्चे जिहड़े होंदे आ जो कोई पुरानी चीज़ होंदे कहिंदे पापा की करनी यार बेचदे छड्डे यार होर नवां मोटरसाइकिल लै लै कोई जमाना आ गया मोटरसाइकिल दा आनंद नहीं आउंदा मोटरसाइकिल दा आनंद नहीं आउंदा इन्ना चलाउण दा ओहदा जिन्ना इह च मजा चलाउण दा ना फिर समान लद लो जिन्ना मर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी टायर पंचर हो जाए टायर बदलो तां ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਆ ਸਕੂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਟਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 4 ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਆ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚਾਂ ਖੁੱਚਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਾਂ ਮਾਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਤਾਲਾਪੁਰ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਈ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਚਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਥੱਗਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਘਨੌਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਔਖਾ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਟਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਟੱਪਣੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬੇੜਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਇਰ 4 ਨਾਟ ਖੋਲੋ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ ਸਟਾਰਟ ਲੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਪ ਵਾਲਾ ਜੀਪ ਚੜਾਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਰਗੜਾ ਸਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸਕੂਟਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 7 ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 30 ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ A to Z ਰੰਗ A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 9 ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ
ना मैनू कहता भी बेच दे 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 किसी नू ना बेचना मुल तो नहीं अंकले का लाया जा सकता थोड़ा शौक है जी ना बेच नहीं सकता मैं कुछ जो मर्जी हो जाए बेचना नहीं रोपड़ दे विच टामा टामा मेरे हिसाब नाल किसे कोल होना स्कूटर ते जे हैगा भी तां इन्ना सांभ के नहीं किसे ने रखिया जी कवाड़ बनाए पए जमे लोकां ने बिलकुल जी कवाड़ होए पए इंजन वैसे अंकल किन्नी मजबूती वाले हो गए कि हुण तक भी इंजन जिहड़ा इन्नी एवरेज दे रहा ना जी इंजन मैं हुण कराया पहली बार इंजन इहदा अच्छा जी अज तक मैं इंजन ही कराया था कदे भी दा अच्छा जी अज्जे रंग रुंगे करवांदा रहा बस ठीक है जी किन्ना कु अंकल खर्चा आ जांदा इंजन दी सर्विस दे उत्ते जी हुण सर्विस दा ओह तेल चेंज हुंदा होर का सर्विस चार्ज जोड़ी दी मगलाले चेंज हुंदा बस इह तां है अंकल सो ये स्कूटर जिहड़ा अंकल जी ये थले थोड़े जिहा दसूंगे कि वह थले की सिस्टम आ कादे बटन लगे हुए थोड़ा जिहा दस दूंगे एक बारी आपां नूं आदा तेल बंद करने वास्ते आ अच्छा जी आउणा हुण इहना इह अच्छा जी जे इधर लग गया तां रिजर्व लग गया अच्छा जी जे इधर इधर लग गया तां तेल बंद हो गया अच्छा जी हुण इत्थे हैगा इत्थे मेन च आ इह अच्छा जी इह चौक आ अच्छा जी ते स्टार्ट करदा इहदा हाई मैं खिच्ची उप्पर नूं आ अच्छा कई वार मान लो ना स्टार्ट करने नूं हांजी हांजी चौक लाउणी पैंदी आ ठीक है जी आ बंद हो गई चौक बस अंकल कहिंदे स्कूटर दा इह फायदा जे किते चलदा चलदा बंद होवे बंदा आपे टापा खोल के आपे सैट भी कर लैंदा आपे हो जांदा कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी हाई कोई कुछ नहीं करना इहनूं अच्छा जी खोल के प्लगे साफ करना बस प्लग दी ओह प्रॉब्लम आंदी मेरे हिसाब नाल कदे कदे ना जे किते मींह पै जावे ज्यादा हां पानी पूणी लग जावे प्लग हांजी हां सही हुंदा नहीं ने ठीक है अंकल हां हां अच्छा अंकल जी अज दी नौजवानी नूं तुसीं कोई मैसेज देना चाहुंदे हो जी पंजाब दे विच रहिंदे हो वोटा पाने बहुत समा हो गया पंजाब के नौजवानों है ना तुम भी एक पुरानी चीज़ सामभ के रखी हुई है कोई नौजवानों मैसेज देना चाहते हो जी भी अज के समय में नौजवानों की करना चाहिए मैं तो कहा भी जी कोई पुरानी चीज़ है कि संभाल के रखो सामभ के रखो पुराने टाइम जो साढ़े पोते पोतियाँ सब देखे साढ़े दादा जी का मोटरसाइकिल रखा हुआ था उन्होंने आ चीज़ वधिया रखी हुई थी उन्होंने संभाल के रखी हुई थी अच्छा जी चेतक स्कूटर कह दिंदे इहनूं ठीक है जी मैं दिखाऊंगा एक बार फिर तुहानूं स्कूटर जिहड़ा आ इह चाबी हुंदी स्कूटर दी ठीक है जी उस टाइम ते आ डिग्गी हुंदी आ अंकल डिग्गी खोलीए जी ठीक है जी इस तरह डिग्गी होंदी सी इहदे विच कोई भी समान अंकल डिग्गी दा बहुत फायदा ना समान जिन्ना मर्जी रख ला इत्थे इत्थे समान जिन्ना मर्जी रख ला यार हां जी हां जी मोटरसाइकल दा समान रखण नूं जगह नहीं मिलदी हैगी मेरे हिसाब नाल सियालां च भी वधिया कि गोड्यां नूं ठंड नहीं लगदी लगदी हैगी बिल्कुल बिल्कुल सही गल आ हां ना जी बिल्कुल स्कूटर वर्गी रीस नहीं अंकल जी नहीं हैगी स्कूटर वर्गी दा मौजे नहीं हैगी ते गद्दा भी ऐन वधिया हुंदा मतलब सीट भी ऐन वधिया हुंदी है हां बिल्कुल जी सो स्कूटर ये अंकल जी का स्कूटर है जी अज सू स्कूटर के दर्शन कराए आज की पीढ़ी में कई पता ही नहीं होना कि स्कूटर किनू कहें सो ये चेतक स्कूटर आ जोड़ा अंकल ने पुत्तों वाग सामभ के रख्या आ तो ये एवरेज भी जी बहुत वधिया हैगी है इनू चंगे तरीके ने क्योंकि जो कोई चीज़ पुरानी हो जाती तो एवरेज घट जाती बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आ जाए पर इनू इन्ने सामभ के रखे गए ये कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी अंकल जी ने अपनी चीज़ संभाल कर सो अंकल का मैसेज यही आ कि जे अगर साढ़े कोई पुरानी चीज़ आता उन्होंने सामभ के रखना चाहिए आता कि पुराने साढ़े जो बजुर्गों की यादा है वो साढ़े ना जुड़िया रहन जाए पुराने किस तरह जिंदगी जिंदे सके है ना उस हाँ हाँ जी माता जी जी पुरानी मशीनरी होंगी ना वो ज़्यादा चलती है जी हूँ अजक नवी मशीनरी आ रही है इन्ना काम नहीं करती है जी बिल्कुल अज की मशीनरी जी रीस नहीं कर सकती पहले 12 वोल्ट हों जो खरीद से 12 वोल्ट से इसे ये इंडीकेटर वगैरह वगैरह जे सोचे सच कुछ नहीं है अच्छा जी इदा ही बस अच्छा यहाँ फिर 24 वोल्ट बनाया वा यहाँ मैं अच्छा जी हाँ मॉडिफाई कराया इंडी इंडीकेटर वगैरह सारे कुछ है नहीं तो पहले ब्रेक भी पहले दूर दरा हों ब्रेक भी पैडल पुडल सारा कुछ चेंज कराया वा यहाँ पिछे इंडीकेटर सारे लाइटा बड़िया सब कुछ चेंज कराया वा यहाँ
बिल्कुल जी बिल्कुल। सो देख सकते हो तुसी अंकल ने बड़ा मेहनत सजा के स्कूटर नू जिहड़ा रखिया होया वा ते काफ़ी बार इहदे पर चंगे पैसे भी अंकल नू ही ला चुके ने। सो उम्मीद करते हैं तुहानू अज दी स्टोरी साडी जिहड़ी पसंद आई होवेगी। इस नू वध तों वध शेयर करियो, वध तों वध लोकां तक पहुँचाओ। पंजाब दी इक अणमुली जात है, पंजाब दे नाल संबंधत आ जिन्हां जिन्हां वीरां ने स्कूटर चलाया खास करके वह वीर तो जरूर इस नू शेयर करियो, क्योंकि स्कूटर दी इक ताज़ा आजाद जिहड़ी उह तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां।